कितना परफेक्ट शेप आया है ना। साबूदाना वड़ा कुक होने में थोड़ा टाइम लगता है, बट आउटकम इज रियली टेस्टी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ट्यूसडे मेरा फास्ट होता है, सो मैंने साबूदाना वड़ा बनाया था, तो सोचा उसकी रेसिपी आप सबके साथ शेयर करती हूँ। मैंने 1/2 कप साबूदाना पानी में रखा सोक करने फॉर 4 आवर्स एंड 4 पोटैटोज बॉईल किए, 10 to 12 ग्रीन चिलीज लिए। अब एक प्लेट में साबूदाना लेंगे, उसमें मैश पोटैटोज ऐड करेंगे एंड दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें 6 to 7 स्मॉल स्पून शेंगदाना पाउडर ऐड करेंगे, 1.5 स्पून सॉल्ट, ग्रीन चिलीज। अब ये अच्छे से मिक्स करेंगे। अब फर्स्टली हमें इसके ऐसे राउंड बॉल्स बना के लेना है। एंड देन एक फ्लैट सरफेस पे प्लास्टिक के ऊपर ऑयल स्प्रेड करेंगे एंड देन इस पे हम वड़े बनाएंगे। अगर आप भी फास्ट रखते हो तो फास्ट के दिन क्या खाते हो मुझे कमेंट करके बताना। कितना परफेक्ट शेप आया है ना। अब कढ़ाई में डीप फ्राई करेंगे। साबूदाना वड़ा कुक होने में थोड़ा टाइम लगता है, बट आउटकम इज रियली टेस्टी। अब इसके साथ एक डीप बनाते हैं। डीप बनाने के लिए मैंने सम गार्लिक एंड ग्रीन चिलीज लिया एंड दोनों को ग्राइंड किया। अब एक बाउल में छाछ लेंगे एंड इसमें पुदीना चटनी डालेंगे। ये चटनी उस दिन मैंने सैंडविच मंगाया था ना, तो उसके साथ आया था। अब इसमें ग्राइंडेड पेस्ट डालेंगे एंड थोड़ा सॉल्ट भी मैंने बाद में ऐड किया था। एंड डीप इज रेडी। डीप इजीली बन जाता है एंड ये मस्त खट्टा एंड स्पाइसी लगता है। वाव, जस्ट लुक एट इट, कितना मस्त डेकोरेट किया है ना मैंने। बहुत क्रिस्पी बना था एंड परफेक्टली कुक भी हुआ था। एंड ये डीप एज आई सेड मस्त स्पाइसी हुआ है। अगर आपको भी साबूदाना वड़ा पसंद हो तो मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। एंड आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।